नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। आज के इस वीडियो में मैं आपको ICICI बैंक में नेट बैंकिंग के थ्रू फंड ट्रांसफर करने के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले गूगल को ओपन करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे ICICI बैंक। ICICI बैंक टाइप करने के बाद जो फर्स्ट लिंक ओपन होगा, ICICI बैंक पर्सनल बैंकिंग एंड नेट बैंकिंग सर्विसेज ऑनलाइन, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो ICICI का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो हम लोग पर्सनल लॉगिन पे जाएंगे क्योंकि मेरा सेविंग अकाउंट है। अगर NRI रहता तो NRI पे जाते विदेशी अकाउंट के लिए, और कॉर्पोरेट लॉगिन जो करेंट अकाउंट के लिए होता था। हम लोग पर्सनल लॉगिन करेंगे तो नेट बैंकिंग का साइट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर दें। यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लें। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके रीडायरेक्ट यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे यूजर आईडी डाल दें, पासवर्ड डाल दें, उसके बाद लॉगिन कर दें। तो नेट बैंकिंग लॉगिन हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र पे, उसके बाद जाएंगे फंड ट्रांसफ़र पे। फंड ट्रांसफर पर जाने के बाद माई पे ही, तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं ज़्यादा आपका बेनिफिशियरी ऐड हो चुका है तो नाम के थ्रू, अकाउंट नंबर के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू। और ये जो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो जितना बेनिफिशियरी हो सो होने लगेगा। तो हम लोग और ऐड करना चाहते तो ऐड न्यू पे पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक ही बेनिफिशियरी ऐड है इसलिए एक शो हो रहा था। यहाँ पे हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ अमाउंट डाल देना है कि कितना पेमेंट कर रहे हैं। रिमार्क्स डाल दें, उसके बाद पेमेंट मेथड किसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं। तो IMPS के थ्रू कर रहे हैं तो IMPS को सिलेक्ट कर लेंगे। NEFT के थ्रू अगर कर रहे हैं तो NEFT को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप RTGS के थ्रू कर रहे हैं तो RTGS को सिलेक्ट कर लें। तो हम लोग NEFT करेंगे तो NEFT को सिलेक्ट कर लेते हैं। NEFT को सिलेक्ट करने के बाद पेमेंट डेट IFSC कोड यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे पेमेंट डेट आ गया है। अगर पेमेंट डेट का शेड्यूल लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। शेड्यूल भी लगाना चाहते हैं तो पेमेंट डेट का शेड्यूल लगा सकते हैं। कैलेंडर पे टिक करके पे ई बैंक किस बैंक में जिसके हम पैसा भेजें उसका अकाउंट है, और यहाँ IFSC कोड शो हो रहा है। और पेमेंट टाइप में वन टाइम ही रहने दें। उसके बाद प्रोसीड टू पे क्लिक कर दें। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करने का जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, तो OTP यहाँ डाल दें। OTP डाल कर सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपसे आपका ग्रीट कार्ड का कन्फर्मेशन मांग रहा है कि F में क्या लिखा हुआ है, L में क्या लिखा हुआ है, P में क्या लिखा हुआ है। तो जो आपका ATM कार्ड है उसके पीछे ये ग्रीट कार्ड का ऑप्शन आता है जिसमें लिखा हुआ है। तो A से ABCD लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि F में क्या लिखा हुआ था। F जो भी लिखा हुआ है वो डिटेल यहाँ पे डाल दें जिससे ये कन्फर्म हो जाए कि हाँ सही हो रहा है। सबमिट कर दें। सबमिट करने का पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। योर पेमेंट इज सक्सेसफुल। ट्रांजेक्शन रिफरेंस नंबर है, डेट है आज का, ट्रांजेक्शन डेट है यहाँ पे। उसके बाद फ्रॉम अकाउंट है, किस अकाउंट से आपने ट्रांसफ़र किया है, और यहाँ पे टू अकाउंट है जिस अकाउंट में पैसा गया है। उसके बाद अमाउंट है, ट्रांसफ़र अमाउंट कितना है। उसके बाद ट्रांसफ़र टाइप है कि क्या आपने किया है, और यहाँ पे रिमार्क्स है। यहाँ पे सेव एज फेवरेट है, अगर फेवरेट में आप सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं इसे। जो आपने पेमेंट किया है अगर उसे उसका जो रिसिप्ट है उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आएंगे। यहाँ पे ई रिसिप्ट है, किस फॉर्मेट में आप डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF में करना चाहते हैं और XLV में। तो हम PDF में करना चाहते हैं तो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। तो डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो ये आपका ई रिसिप्ट है,
ये आपका ई रिसिप्ट है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, किसी भी तरह का प्रॉब्लम तो कमेंट्स कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।